फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैतीस रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पाव पेटिस। मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड है पाव पेटिस, जिसे आप स्नैक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं आज पाव पेटिस, जिसके लिए जो जो सामग्री लगेगी वो दिखाती हूँ मैं। उबले हुए आलू लिए हैं पेटिस के लिए। पेटिस के लिए उबले हुए आलू अराउंड 8 से 9 आलू है, जिसे मैंने उबाल के रख दिया है। और उबले हुए मटर है जो आधा कप है, जिसे मैंने उबाल के रख दिया है। उसके साथ लगेगा ऑनियन, चॉप किया हुआ ऑनियन। हमारा जो वड़ा पाव में यूज किया हुआ सूखा चटनी है, जिसके अंदर मैंने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल के पानी के साथ डाइल्यूट कर लिया है। कोरिएंडर है कट किया हुआ, बटर है, नींबू, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और पाव। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पेटिस। आलू को हम पाव भाजी मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं। प्रॉपर मैश हो गया है। अभी इसके अंदर हम ऐड करते हैं मटर। और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक डाल के ही मैंने बॉईल किया है दोनों चीज को, इसके लिए ज्यादा नमक की जरूरत नहीं है। बस इसे मिक्स करने के बाद इसे कटलेट से भर देते हैं। जब तक हम पेटिस को शेप देते हैं, तब तक पैन में एक गरम होने के लिए रख देते हैं। एकदम स्लो आंच पे इसे हमें सेलो फ्राई करना है। राउंड शेप में टिक्की का शेप देते हैं और बटर डाल के हम इसे सेलो फ्राई करते हैं। आधा चम्मच जितना बटर, जिसमें 5 से 6 कटलेट सेलो फ्राई हो जाएगी। दोनों ही साइड हमें गोल्डन ब्राउन करना है टिक्की को। अब देख सकते हैं हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है एक साइड, तो हम दूसरी साइड भी और पेटिस को पकाएंगे अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर के लिए। गैस को टर्न ऑफ करेंगे और हमारी सारी पेटिस को हम दूसरी प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। अभी हम पाव पेटिस बनाएंगे। पाव पेटिस में मैंने गैस को टर्न ऑफ किया है और तवा अभी हमारा गर्म है। एक्चुअली पाव पेटिस पाव भाजी के तवे पे बनता है और उनका तवा बहुत ही थिक रहता है, तो वो माइल्ड गरम रहता है। इसके लिए अगर हम गैस चालू रखेंगे तो हमारा तवा गरम है तो एकदम से ही कुक हो जाएगा बटर और उसका टेस्ट बिगड़ सकता है। सबसे पहले ऐड करेंगे बटर। बटर मेल्ट होते ही उसके ऊपर ऐड करेंगे हम चटनी लहसुन वाला और हम गैस टर्न ऑफ करेंगे एकदम स्लो आंच पे। हमें पहले ये चटनी को पकाना है। जैसे ही सिजलिंग चालू होगा हम इसके अंदर कोट करेंगे पाव। चटनी और बटर के साथ पूरा पाव हमें कोट कर लेना है, बीच की साइड और ऊपर की साइड।
बाकी का चटनी और बटर, थोड़ा सा बटर हम वापस ऐड करेंगे, जिसमें ऐड करेंगे वापस चटनी, हल्का सा सिजलिंग होने देंगे, उसके साथ ऐड करेंगे पाव भाजी मसाला 3/4 टेबलस्पून जितना, हल्का सा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है, बच्चे लोग खाने वाले हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम हमारा एक पेटिस छोड़ेंगे। पेटिस के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए मसाला, वो हमें ध्यान रखना है। पेटिस अच्छे से कोट हो गया है मसाला, दूसरी तरफ भी हम कवर कर लेते हैं मसाले में और पाव के बीच में रखते हैं ये मसालेदार पेटिस। बाकी का एक्सेस मसाला बटर हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है तवे में, हमें सारा मसाला ले लेना है। हल्का हल्का पाव गरम होगा और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे ऑनियन बारीक काटे हुए, स्प्रिंकल करेंगे धनिया, हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और लास्ट में फिनिश टच देंगे नींबू के साथ। तो रेडी है हमारा पाव पेटिस। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा फुल ऑफ बटरी पाव पेटिस, जो मुंबई में बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, जिसे बच्चे लोग और बड़े बहुत ही मजा लेके खाते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल तैतीस रेसिपी, और आप कमेंट में आपके एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत ही पसंद आता है आपके एक्सपीरियंस और आपकी कमेंट मुझे बहुत ही पसंद आती है। थैंक यू।